हेलो दोस्तों, एजीटी वेब प्रिंसर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज करंट अफेयर 4 अप्रैल 2022 को टच करते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट पे। हाल ही में किस नदी में पहली नौका मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया है? तो झेलम नदी के। देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स कहाँ संपन्न हुआ है? तो दिल्ली में। मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत में किस राज्य ने 2022 तक टीवी मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने 2024 तक टीवी मुक्त राज्य बनाने की घोषणा की है, ठीक। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। न्यूज जविक वर्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2022 के सर्वेक्षण में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होना है? तो कर्नाटक में। ये ध्यान दीजिए कि ये 21 लिखा है, तो ये मत सोचिए कि 2021 का नहीं, ये 2021 में होना था लेकिन इसको पोस्टपोन करके 2022 में अब होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जनरल SS मोहल। भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से शुरू किया गया है? तो नेपाल के बीच। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हिम्मत सिंह शेखावत और मीना नैयर ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में, ठीक। दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज, दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिक क्रूज यानी पूरा का पूरा ही वो इलेक्ट्रिक है, लाइन से चलने वाला क्रूज जहाज यांगत्जी रिवर थ्री गॉर्जेस फर्स्ट ने अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्वक की है। इसका निर्माण किस देश में किया गया है? तो चीन ने इसका निर्माण किया है, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। और ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता टीम किस कौन रही है? तो इंग्लैंड रही है, ठीक है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे अधिक कप्तानी करने वाली प्लेयर कौन है? तो मिताली राज हैं, जो कि ये भारत से बिलोंग करती हैं, अब तक 6 वर्ल्ड कप में कप्तानी कर चुकी हैं, ठीक। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप इतिहास में अब तक सर्वाधिक विकेट लेने वाली प्लेयर कौन बनी है? तो झुल्लन गोस्वामी। अब तक इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप इतिहास में 40 विकेट लिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आधिकारिक शुभांकर क्या रखा गया है? तो लाइव का मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।